चलिए होमवर्क ले लीजिए। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड का वाला पोर्शन पढ़ लिया, सेंट्रल डोगमा भी पढ़ लिया। अब कल से हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले क्या करेंगे आप होमवर्क में, होमवर्क नंबर 1, पेज नंबर 102 से लेकर पेज नंबर 104 तक पूरा मैटर सीरियसली पढ़ेंगे। एक एक लाइन, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बोलेंगे। पेज नंबर 102 पर हेडिंग नंबर 6.222 से लेकर पेज नंबर 104 पर 6.4 हेडिंग के पहले तक, रेप्लिकेशन के पहले तक पूरा पढ़ लीजिएगा एक एक लाइन। इसके बाद पेज नंबर 98 पर आ जाइएगा, वहां पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा होगा लाइन द प्रपोजिशन ऑफ ऐसा कुछ, ठीक है? वहां से लेकर पेज नंबर 99 पर हेडिंग नंबर 6.1.2 के ऊपर तक पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क का जल्दी से। चलिए कल है संडे, रिभा और ज्योति कल आपका क्लास भी है क्या? नो सर। रिभा और ज्योति, रिभा क्लास है? सर जनरली तो संडे को बंद रहता है, वो सर पे डिपेंड करता है, साथ क्लास रख तो सकते नहीं। अच्छा जनरली बंद रहता है, तो इन्फॉर्मेशन मिलना होगा तो आज ही मिल जाएगा ना? यस सर। तो 12 बजे वाला क्लास में हमको याद दिला के बता देना इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगा तो, ठीक है? और अगर कल अभी तो क्लास नहीं अटेंड होगा संडे को। क्या बोले? अभी संडे को क्लास नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तब तो कन्फर्म है। तो कल आपका थोड़ा मॉलिक्यूलर वाला क्लास 6 बजे से जो स्टार्ट होता है, थोड़ा सा 10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, आपको भी रिलैक्स मिलता होगा। तो वो तो स्टार्ट होगा टाइम पे, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। कब तक चलेगा कल मुझे भी नहीं पता, जितना देर में ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाए। बीच में अगर आप 5-10 मिनट ब्रेक मांगेंगे चाय पीने के लिए तो हम ब्रेक दे देंगे। ब्रेक तो वैसे भी मिलता है 5-5 मिनट का, ठीक है? मीटिंग के बाद 40 मिनट के बाद तो ब्रेक दे देंगे। लेकिन कल जब तक ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होगा, चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे कि 4 घंटा लगे, ट्रांसक्रिप्शन खत्म करके ही छोड़ेंगे कल। क्या आप लोग रेडी हैं? अरे रेडी हैं? यस सर। हाँ यस सर। इसका कारण क्या है सुनिएगा, अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन को टुकड़ों में पढ़ाऊंगा ना मजा नहीं आएगा यार। पूरा एक साथ पढ़ा देंगे ना कल, और पूरा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझा रखा है और आरएनए का भी स्ट्रक्चर समझा रखा है। होता क्या ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए से आरएनए बनता है, बस क्या करना है प्रोसेसिंग समझाना है कि कैसे कैसे होता है, मैकेनिज्म समझाना है, बाकी चीजें आसान है, खटाखट खटाखट हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पूरा खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले जो होमवर्क दिया है वो करके आना। चलो आज के लेक्चर में कोई डाउट है ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। अतीक? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।